काहिंकि प्याज और रसुण को कहा जाए आमिष खाइले होइथाए केउ प्रकार पाप जगन्नाथ मंदिर रे काहिंकि लागी हुए नि एही दुई परिवा आमे अनेक परिवा खाई थाउ आमिष मध्ये भक्षण करथाउ तबे किछि किछि परिवा सबु बाररे खाई हुए नि सेमिति आमिष मध्ये अनेक दिन खांति नि लोके हेले एमिति किछि परिवा अछि जहां आमिष आमे कहुछु प्याज एवं रसुण कथा ए दुईटी परिवा को आमिष बोली कहा जाए एमिति कि मंदिर रे मध्ये करा जाय नि व्यवहार तेब आसंतु जानिबा काहिंकि प्याज रसुण होउछि आमिष आपण माने जानिथिबे हिंदू धर्म अनुसार भगवान को पाखरे व्यवहार हुए नि प्याज एवं रसुण किंतु यह पछरे अछि खास कारण आम हिंदू धर्म रे अनेक नीति पालन करा जाए जहां आमे मध्ये पालन करिथाउ शास्त्र अनुसार हिंदू धर्म रे प्याज एवं रसुण रो व्यवहार कम हुए या को आमिष भावे ग्रहण करा जाए भगवान को ठारे भोग लागी हेबा पई मना करा जाय थाए सेति पई प्याज एवं रसुण को कोनोसी धार्मिक कार्य ठु दूरे रखा जाए एपरी कि उपवास रे मध्य या को व्यवहार करा जाए नहीं शास्त्र अनुसार प्याज एवं रसुण को राजसिक एवं तमसिक श्रेणी में रखा जाय छि राजसिक एवं तमसिक रो अर्थ होउछि अज्ञान और मूर्खता तेबे आमको सब पूजा अर्चना सतिक होबा उचित जमीती कि क्षीर अटा दही डाली पूजा रे उपयोग करा जाए एपरिक राग खटा लुणिया मीठा आदि खाद्य मध्य पूजा अर्चना रे व्यवहार करा जाए हेले रसुण प्याज आमिष पूजा रे व्यवहार कले पाप हुए कारण खाद्य को राक्षस प्रवृत्त खाद्य बोली कहिथाय शास्त्र तेणु यह सत्विक पदार्थ रूप से केबे भी ग्रहण करहब ना नचेत अशांति रोग चिंता माड़ आसो शास्त्र तबे प्याज रसुण सह रही विष्णु पुराण संपर्क पुराण अनुसार समुद्र मंथन समय भगवान विष्णु बांटुले अमृत सेतेबेले राहु और केतु नामक दुई राक्षस देवता मानक सह मिसी जाइथिले भगवान विष्णु भूले सेमानको मध्य देइथिले अमृत या जानिबा परे भगवान विष्णु तांको सुदर्शन चक्र रे राहुर मुंड काटिथिले तेबे तांको विष्णु मारिबा समय तांको देहरु किछि बुंदा रक्त भूमि रे पड़ जाइथिला सेथिरु प्याज और रसुण रो उत्पत्ति होइथिबा कहिछि पुराण तेबे दर्शक बंधु आपण देखिथिबे समस्त आमिष रे प्याज और रसुण व्यवहार करा जाय हेले बिना प्याज और रसुण रे साधा व्यंजन आराम रे बनाइ हुए जा घरे आपण अनेक थोर देखिथिबे तेबे आपण को ए वीडियो ठीक केमिति लागिला कमेंट करि जणातु ब्यूरो रिपोर्ट गोइंग टू लाइफ।